90% बिगिनर ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को गलत तरीके से ड्रॉ करना सिखाया जाता है, इसीलिए 90% बिगिनर ट्रेडर इस स्टॉक मार्केट में लगातार लॉसेस करते हैं। आइए अभी समझते हैं एक बिगिनर ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना सिखाया जाता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे नीचे से आ रहा है और मार्केट ने यहाँ पे सबसे पहले एक हाई बनाया है और मार्केट में यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी हुआ है और मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आ रहे हैं और मार्केट ने यहाँ पे जो कि बहुत ही ज्यादा बाइंग एक्टिविटी हुआ है और मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे आपको ज्यादातर ट्रेडर यहाँ पे समझाएगा कि ये एक जो कि रेजिस्टेंस है और ये जो कि एक सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ पे पहले जो रेजिस्टेंस बनाया है उस रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पे टकरा के यहाँ पे नीचे आएगा और यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया है यहाँ पे मार्केट फिर से सपोर्ट लेगा और यहाँ पे फिर से उस रेजिस्टेंस पे जाके रेजिस्टेंस लेगा और मार्केट फिर से नीचे आएगा और यहाँ पे सपोर्ट लेगा और मार्केट यहाँ पे जिस भी साइड ब्रेक करेगा तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम होगा। ज्यादातर ट्रेडर आपको ये समझेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं बिगिनर ट्रेडर, मान लीजिए यहाँ पे ऊपर जो रेजिस्टेंस बनाया है मार्केट ने, यहाँ पे जैसे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो इस ब्रेकआउट को देख के बिगिनर ट्रेडर यहाँ पे बाई करने का डिसीजन लेगा। जैसे यहाँ पे बाई करेगा मार्केट यहाँ से रिवर्स होके उस बिगिनर ट्रेडर का स्टॉप लॉस को यहाँ पे हिट कर देगा। और बताया जाता है कि नीचे जो सपोर्ट बनाया है इस सपोर्ट को मार्केट यहाँ पे जैसे ही तोड़ेगा तो आप यहाँ पे सेल पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे का सपोर्ट को ब्रेक करते है और इस ब्रेकआउट को देख के बिगिनर ट्रेडर जैसे ही यहाँ पे सेल करते है तो मार्केट यहाँ पे रिवर्स होके उस बिगिनर ट्रेडर का स्टॉप लॉस को हिट करते है। क्या ट्रेडर्स आपके साथ भी ऐसा हो रहे? अगर आपके साथ ऐसा हो रहे तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को गलत तरीके से ड्रॉ कर रहे हो, इसीलिए जो कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे सही से काम नहीं कर रहे और आपको देखने के लिए लगेगा कि आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही है, बट यहाँ पे जैसे किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो आपका जो कि यहाँ पे ज्यादातर टाइम यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे ज्यादातर टाइम आपका लॉसेस होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लाइव मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का सही तरीका क्या है एंड प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो इन डिप्थ इस वीडियो में मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हर एक डिटेल्स देने के लिए कोशिश करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप देखते रहिए। वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तभी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आइए अभी समझते हैं स्टॉक मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको कितने तरह का देखने के लिए मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट में आपको दो तरह का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और एक टेल लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आएंगे जहां पे हम बात करेंगे टेल लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। आइए सबसे पहले हम समझते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे नीचे से आ रहे और यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और यहाँ पे मार्केट में अचानक से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुआ है और मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया है और जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया है तो इस रेड कैंडल को देख के बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर एंड प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे सेल करना शुरू किया है और यहाँ पे सेलर ने मार्केट को कंट्रोल करना शुरू किया है और मार्केट जो कि यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था और यहाँ पे अचानक से जो कि जो लोग ऊपर से सेल करके आ रहा था वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया है और यहाँ पे अचानक से जो कि ग्रीन कैंडल बनना शुरू हुआ है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल को देख के बिगिनर ट्रेडर एंड प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पे बाई करना शुरू किया है और बायर ने यहाँ पे मार्केट को कंट्रोल किया है। मार्केट में जहाँ से सेलिंग एक्टिविटी हुआ है और मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा है तो उस लेवल को मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस कहते हैं और मार्केट में यहाँ पे जिस लेवल से बाइंग एक्टिविटी हुआ है और मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है उस लेवल को मार्केट में सपोर्ट कहते हैं। आइए अभी समझते हैं आपको किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। मार्केट में यहाँ पे जो कैंडल बनाया है कैंडल की क्लोजिंग पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है या मार्केट में यहाँ पे जो कैंडल की वीक बना है वीक पॉइंट पे जो कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। अगर हम प्रोफेशनल ट्रेडर की बात करें तो प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा कैंडल की जो वीक पॉइंट है उस हाई पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेडर्स आपको भी यहाँ पे कैंडल की जो वीक हाई है या वीक लो है वहाँ पे जो कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। तो इसकी लॉजिक को भी हम समझेंगे प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। YouTube में आपको ज्यादातर ट्रेडर ये समझाएगा कि मार्केट यहाँ पे जैसे एक हाई बनाएगा और यहाँ पे जो कि एक रेजिस्टेंस बनाएगा फिर मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट बनाएगा और यहाँ पे फिर से जाके मार्केट उस रेजिस्टेंस पे टकराएगा और मार्केट फिर से आके उसी सपोर्ट लेवल पे जाके सपोर्ट लेगा। बट मार्केट में रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, मार्केट में यहाँ पे हमेशा जो कि ट्रैपिंग होते हैं। तो ट्रेडर्स हमने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक चार्ट लिया है जहाँ पे हम आपको समझाएंगे
किस तरीके से मार्केट में यहाँ पे ट्रैपिंग होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लिया है, मार्केट यहाँ पे बुलिश मोमेंटम के साथ ऊपर आया है और यहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी हुआ है और मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके सेलर ने मार्केट को नीचे लेके आया है। तो ये जो मार्केट ने रेजिस्टेंस बनाया है, ये रेजिस्टेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आया है तो यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुआ है और यहाँ पे दो बुलिश कैंडल बना है। तो यहाँ पे दोनों लेवल जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, यानी जो रेजिस्टेंस बनाया है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट हो सकता है यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनाया है उसको ब्रेक करके अपसाइड रैली करेगा, या हो सकते मार्केट यहाँ पे डाउनसाइड ब्रेक करके डाउनफॉल करेगा। ये चीजें ज्यादातर ट्रेडर इस बिगिनर ट्रेडर को सिखाते हैं, बट यहाँ पे रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया है इस सपोर्ट को हो सकते है मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके अपसाइड रैली करेगा, या हो सकते जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है उस रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके फिर से नीचे आएगा एंड डाउनफॉल करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाया है बट यहाँ पे सेलर ने फिर मार्केट को यहाँ पे पुश किया है, यानी मार्केट को यहाँ पे नीचे लेके आया गया है। और यहाँ पे ये दोनों ग्रीन कैंडल को देख के जैसे यहाँ पे बिगिनर ट्रेडर और बहुत सारा जो कि ट्रेडर यहाँ पे बाई किया है, बट यहाँ पे उस सभी लोगों का यहाँ पे सबसे पहले स्टॉप लॉस को हिट किया गया है। प्रोफेशनल ट्रेडर ये चीज जानते है कि यहाँ पे जो लोग सेल किया है इसके ऊपर जो कि स्टॉप लॉस लगाया है, तो मार्केट को यहाँ पे इस तरीके से मूव कराया जाएगा और यहाँ पे ऊपर लेके उस जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस को मार्केट को यहाँ पे ब्रेक किया जाएगा। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे वो प्रोफेशनल ट्रेडर जानते हैं कि यहाँ पे बायर फिर से आएगा, जैसे ही यहाँ पे बायर आएगा तो मार्केट को फिर से नीचे लेके आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे ही नीचे लेके आएगा तो यहाँ पे सभी लोगों का जो स्टॉप लॉस है स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो आपके लिए दो पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी रिसेंट जहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुआ है और रिसेंट जहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिसेंट यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी हुआ है एंड सेलिंग एक्टिविटी हुआ है। तो ये जो बाइंग एक्टिविटी हुआ है तो ये सपोर्ट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनाया है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मार्केट हो सकते ये जो सपोर्ट बनाया है इस सपोर्ट को मार्केट अगर ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे रिवर्स होता है तो यहाँ पे आप जो कि पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया था मार्केट इसको मार्केट को ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस है। जैसे ही यहाँ पे सभी लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो यहाँ पे मार्केट फिर से अपसाइड रैली करेगा। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का ऊपर जो कि यहाँ पे ज्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस बना रहेगा, मार्केट यहाँ पे उस सभी लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस को हिट करेगा और हिट करने के बाद मार्केट यहाँ पे फिर डाउनफॉल करेगा। फिर मार्केट यहाँ पे जो नीचे सपोर्ट बनाया है ये सपोर्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते है और ऊपर जो यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है ये रेजिस्टेंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। और स्टॉक मार्केट का जो ये सिस्टम है ये हमेशा काम करते है, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे सपोर्ट बनाया है मार्केट को इसको ब्रेक करना चाहिए और यहाँ पे फिर जो कि मार्केट वही कहीं नहीं करेगा, यहाँ पे मार्केट फिर ऊपर आएगा और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बनाया है इस रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पे स्वीप करेगा और उस सभी लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर देगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।